जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो आपने जिस तरह से अभी तक गौर किए हैं, ट्रेडिशनल रूट्स हो या फिर रूट्स डिफाइन करना हो या ट्रैफिक रेगुलेशन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अपने इंतजाम हो, वो तो किए ही गए हैं जो नॉर्मल पुलिसिंग में हमारे सारे अरेंजमेंट इंश्योर करना होता है। उसके अलावा इस बार हमने रॉप इन किया है मौजिज लोगों को, स्थानीय लोगों को और भाईचारा कमेटी मेंबर्स, अमन कमेटी मेंबर्स, सो दैट सारे लोग मिलकर ग्राउंड लेवल पर, और साथ ही कावड़ ऑर्गेनाइजर्स से भी अपील की है कि वो वॉलंटियर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपॉइंट करें और ये सारे लोग मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस अरेंजमेंट को इंश्योर करें। और हमने जो भाईचारा कमेटी फॉर्म की हुई है उन सारे लोगों से अपील की है कि वो सब लोग अपना योगदान देंगे और किसी भी तरह के किसी ट्रबल मॉन्गर को वहाँ कोई स्कोप ना मिले, ऐसा इंश्योर किया जा रहा है। और कई तरह के एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इस तरह का स्कोप बिल्कुल ना मिले। पुलिस स्टाफ जो नॉर्मल जिस तरह से उनकी ब्रीफिंग रहती है वो अपनी विजिल तो रखेंगे ही रखेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग जो इकबाल बुलंद करने वाली चीज़ है उसको बुलंद रखेंगे, साथ ही में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को, बाहरी किसी भी अलग तरह की वस्तु को, इन लोगों का मूवमेंट अगर उनको नज़र आता है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, ऐसी अपील उनसे की गई है। साथ ही में सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है।